भाई गाड़ी भगा रही सो, और देख बराबर ट्रेन भग रही है। टीटी चेक कर सकते हैं गाड़ी, देखो क्या साइकिल आ रही है इसको। भाई लोडिंग पॉइंट में थोड़ा सा इधर से 3 किलोमीटर है भाई, अभी पी रहे जूस, देख सकते हो क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद मेरे दोस्तों और भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खैर से होंगे, और हम भी मुंबई एक्सप्रेस से जो कि ये रहा सामने, और हम अभी बैठे हैं गाड़ी के ऊपर वो डिस्प्ले नीचे, क्योंकि गाड़ी टायर हो रहे हैं अभी गर्म, अभी से बैठा छोटे बैठा ये बड़ी पर मार रहा थोड़ा तो कोई नहीं, अभी से पेड़ के पुल चले अभी कर रहा, अभी करेंगे ये रोड बिल्कुल स्पेरिंग गाड़ी कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ा रख लेते हैं यहाँ से। आपने प्रयोग तो देख लिया कि मुंबई एक्सप्रेस में चढ़ रहे थे यहाँ एक था, बाकी उसका पार हुआ है, इसको देखना नहीं भूले, इसको बताने वाला कि बहुत दिनों बाद 2-2.5 महीने बाद जाए ना भी ऑफिस पे, वो दिखाएंगे ऑफिस पे कुत्ते घूमेंगे तो गाड़ी चलेंगे नहीं, अंगूर हो गया खत्म, तो चलो चलते हैं। कहाँ मिलेगा तो भाई? टमाटर मिलने वाला, देखते हैं मिल गया तो भाई चल दिए यहाँ से, और देखो अब आप देख सकते हैं हम दोनों बैठे इधर, हम फोन चला रहे हैं गाड़ी, देख समझने वाले कुछ समझदार है, अभी उस्ताद भग भग के गियर लगा रहा है। उस्ताद आते हैं सो पे, फाइनली भाई एक्सप्रेस उतर के टोल भी पार कर लिया, तो मैं वापस उतर गया भाई, तो अभी चल रहे रतलाम वाली साइड, तो भाई चला रहे हैं भी सोया हुआ, तो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, टायर ठंडे करेंगे क्योंकि गर्म बहुत कर दी मैंने, चलते हैं आगे। तो भाई पहुंच चुके हैं इधर लेबर बाईपास के ऊपर, तो यहां से हम घूमने वाले हैं लेबर बाईपास के ऊपर, मतलब सीधे ड्राइवर साइड को, क्योंकि सीधा जा रहा है इंदौर, हमें घूमना यहाँ से खंडवा धुड़िया सीढ़ी पूना, ये देखिए इधर से घूम गए हम इधर, रोड करते हैं टाटा बाय बाय। अब थोड़ी देर बाद अपना वही पुराना रोड मिलने वाला है मानपुर, अब सीधे रुकेंगे मानपुर, मानपुर के नीचे उतरने के बाद अपने आएगी होटल, जो कि लाडली मेवात होटल है, काफ़ी दिनों बाद, चलो चलते हैं। आ चुका अपना वही रोड पुराना मैन मानपुर हाईवे, जो कभी हम उतर रहे हैं, अभी उतार दिन गाड़ी पीछे पीछे, यहाँ से अपने होटल बचे ओनली 2-3 किलोमीटर, पहुँचते हैं सीधे अपने होटल के पास, देखो होटल पे करके अपनी गाड़ी करानी ग्रीस वगैरह, क्योंकि कई दिन हो गए ग्रीस करवा, कोई गाड़ी जब टाइम टाइम ग्रीस होती रहे तो बढ़िया रहे। चलो उतर के हाईवे पर, अब मिलते हैं सीधा होटल पर। तो भाई फाइनली आ चुके हैं गुजरी घाट, तो यहाँ रुके थे अपनी गाड़ी वो पार रही, तो और 25-25 मान लग पड़ी, तो अपने भाई के पास रुके थे शकील भाई के पास, तो नेमत भाई कर रही बातें हमारी ने वो लगी पड़ी भाई, चक्का यहाँ पे लगी है, वो पूरी सिंपल जहा होटल है भाई, तो यहीं से अभी सब स्टार्ट, अभी शाम पर भी है तो बहुत रश है भाई, होगा है गाड़ी वो देखो पार भाई, तो भाई अपनी गाड़ी वो लगी पार, तो ये करने बातें यहाँ इनकी बाइक के फोटो भी निकले थे अपनी, तो हमें फोटो सही लगा पड़ा, वो भी बताते हैं, और होटल ये है
और आप पुल देखो भाई, बोतल भर के निकल चुके हैं होटल से। ये है भाई 25-25 जो है सानिया एनटीसी। तो भाई हमारी गाड़ी उस साइड है, वो नासिक से आने वाली गाड़ियों को मिल रही है। सुपर है भाई, पूरा बेड मिलता है। वो जब भी इस होटल में आओ, गोजरी घाट में ये होटल, जब भी आओ इसमें रुक के जाना, बिना मटन खाए ना मत जाना। तो अपनी गाड़ी वो और बातें कर रहे हैं भाई, वह देखो चलते आगे का आपको मिलते हैं। भाई आ चुके थे वहाँ से होटल से निकल के, भाई ये देखो गोजरी घाट में रोज ना रोज हंसता, मतलब कुछ ना कुछ होता है इधर। तो भाई टेम्पो का पहिया निकल के भाग चुका, ऑटो का पता नहीं भाई कहाँ भाग चुका है, पता नहीं कहाँ भाग गया भाई। ये देखो भाई आगे से उठा दिया। तो भाई जब भी गोजरी घाट आओ आराम से चलो, प्यार से चलो, मोहब्बत से चलो, देख सुन के भाई। तो नियमत भाई कर रहे हैं ड्राइव, अभी लग रहा है एग्जॉस्ट, तो नीचे चल के आपको मिलते हैं। तो भाई ये गोजरी घाट है, इसमें बहुत ही खतरनाक वाले एक्सीडेंट होते जाते रहते हैं रोज के रोज। तो भी भाई अपने जिस इस उसमें आए कि बहुत तसल्ली से अपनी गाड़ी उतारे, क्योंकि यहाँ गाड़ी वाले इधर उधर घुमा देते हैं, इसलिए बिल्कुल ही स्लो मोशन दे और कंट्रोल के साथ, बिल्कुल गियर में नोटी लोटी ना मारे। डिब्बा विब्बा वाला भाई कुछ खास तौर से, क्योंकि डिब्बा वाला 2 लीटर डीजल बचाने चक्कर में नोटिल मार दिए, फिर डंडा पड़े पड़ा पाऊँ भाई। और एक आध वैसे गाड़ी वाला ने भी मारे फिर, क्या भाई गाड़ी खाली रहे जबकि थोड़ी बात अलग हो जाए। अब जैसे देख डम फरार हो, अब इधर से बस आ रही, इधर से डम फरार हो, अब कौन सा साइड दो दिए। अब देखिए बस वाला दिए, अब इतनी एक सारा जान लेगो या कौन जिम्मेदार हो भाई छोटू, कौन जिम्मेदार इसने बस रोल का दे तो अल्लाह कहा जाने में जब जा रही बस नीचे बता दे। तो कोई ना, अब इसको करते हैं पार। तो भाई पहुंच चुके हैं बॉर्डर, बॉर्डर लग रहा है भाई बहुत घना जाम, पता नहीं कहाँ घुस रहे, क्या हो गया भाई, बॉर्डर आ गया यही है। तो भाई ये बॉर्डर जाम बहुत लग रहा। तो भाई बॉर्डर पे जाम देखो, रोड लगाया पड़ा यहाँ, बाकी बॉर्डर के आस करीब 1 किलोमीटर और आ गए। अभी करेंगे बॉर्डर पार, क्योंकि अभी लाइन वाइन कुछ पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी है किधर नहीं खड़ी, जैसे अब इसको देखते हैं धीरे धीरे करेंगे इसको पार, क्योंकि जाम बहुत लंबा तगड़ा भैया। तो भाई उतरे अपना बनारस घाट, बनारस नाम है इसका भाई। तो भाई बहुत खराब रोड है, इधर देख सकते इनको भी ब्रेक लेनी पड़ती है, बहुत दिक्कत आती है। चलते हैं भाई, बहुत खतरनाक ढलान है, पूरा भाई पहाड़ी एरिया। इन गाड़ियों में कभी कभी भाई चोरी होती है गाड़ियों की, क्योंकि स्लो चलती है ना गाड़ी, इसलिए हम चलते हैं भाई आराम आराम से। चलो आगे मिलते हैं आपको। तो भाई पहुंच चुके हैं भाई बॉर्डर, अभी इसमें चलने लगे हम पार। एक गाड़ी और सभी, ये मोहत भाई आ चुके हैं, एक वो है भाई, एक और सभी पीछे भाई, जाम बहुत लंबा लगा था। चलते हैं भाई आगे। तो फाइनली गाइज, तो कर लिया अपन ने बॉर्डर पार और खाना वाना खा के गए फ्री। अब चलाएगा अपना एहसान भाई गाड़ी, और ये बदमाश मैं सोऊंगा मेरे संग संग, थोड़ी देर बाद मेरे पास भी पड़ा मिलेगा ही मुझे, इसका पक्का मालूम है मुझे। अब तो ऐसे बैठा जाने, तो भाई अभी पूरी रात बैठा रहेगा इधर बेचारा, पूरे ध्यान रखेगा, टायर वायर चेक करेगा, लेकिन मुझे पता 15 मिनट बाद ये बराबर में विश्राम करेगा। तो कोई नहीं, इसकी रखूँगा मैं ध्यान, जब ही सोगा ना, जब इसकी आज कुटाई कर दी जाएगी रात को 10:30 बजे के बाद,
तो चलो सो जाते, मिलेंगे आपसे आगे कहीं। गुड नाइट, तक ले सो जाओ। तो भाई सुबह की भाई गुड मॉर्निंग। तो भाई अब पहुंच चुके हैं फाइनली भाई फैक्ट्री के बाहर। वो रही सामने फैक्ट्री, ये रही अपनी गाड़ी। तो अभी अभी पहुंचे भाई, कोई थोड़ा देर हो गया टाइम। तो भाई पहुंच के अभी खाली शाली करते, फिर उसके बाद आपको अंदर फैक्ट्री में दिखाएंगे क्या पता लोड है नहीं। तो अच्छी खास भाई यहाँ पे बहुत सामने है भाई उधर। तो चलते हैं भाई, बाद में मिलेंगे आपको अंदर जाके। फाइनली भाई गाड़ी आ चुकी है अंदर, अंदर हो रही है अब अनलोड। देख सकते हो वह कैसे चमक रही है हमारी गाड़ी। तो आपको पीछे लेके चलते हैं भाई। ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इसमें बहुत सख्त कानून है, क्योंकि मेरे को अंदर नहीं आने दिया इसलिए मैं छुप के आ गया गार्ड से दोस्ती करके। तो देखो भाई 1:30 हो चुका हमारा खाली। इधर बहुत अच्छे बंदे हैं, मुझे इधर बहुत बढ़िया लगा। अभी इसको खाली करके अब इधर से बाहर निकलेंगे, देखते हैं क्या लोड करना है। तो भाई वहां से निकल आए थे फैक्ट्री में, आपको पता है। तो वहां से निकल आए थे तो क्योंकि फैक्ट्री में कल खाली नहीं हुआ, आज सुबह खाली किया। आज ही हम निकल आए थे फैक्ट्री में से। फैक्ट्री में से निकल के नहा धो के अपने क्रीम हेयर लवली लगा के गोरे हो चुके हैं। तो अभी हम की स्पीड बढ़ रही है 100 में, क्योंकि माल है अंगूर या टमाटर कोई पता नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। उस्ताद को पता है, मेरे को नहीं पता। तो उस्ताद अभी खींच रहा है उस्ताद का, उधर जाके आपको मिलते हैं। हमारा उस्ताद रेडी हो चुका है बिल्कुल, गंगा फंगा यहीं पे वहीं पे फेरेंगे, चलते हैं उधर ही मिलेंगे। ट्रेन के बराबर बराबर मगरा आ जाओ अब लेकिन हम याद आगे जा रहा हूँ। देख भाई तो ट्रेन आई तो अपनी अलग चल रही है, हम अपना अलग चल रहा है। बाकी देख ट्रेन से देख आगे जा रहा है, बताओ आ तो ट्रेन से आ गए कि हमारी गाड़ी भाग रही है। 100 और ट्रेन कर दी पार। आप देख सकते हो ट्रेन से आगे जाने ओवर टेक कर लिया हमने, काफी ट्रेन सीट से कितनी पीछे रह गया, 4-5 डिब्बे आगे निकल चुके हम इससे। अब ट्रेन वाले ने माफी मांग ली कि भाई तो हम जाके भाग सकते हैं। तो कोई नहीं, ज्यादा नहीं भगा रहे, अभी 100 की स्पीड बहुत है बस ट्रेन पार करने के लिए। बाकी हमने इसको कर दिया टाटा बाय बाय। ज्यादा भगाएंगे ना कभी रोन लग जाए, पुलिस वाला शिकायत कर देंगे ना। ये अगर हम ज्यादा भगा ना आ रहा तो कोई नहीं, चलते हैं अपन अंगूर भरने के लिए अपने ऑफिस में संगम नीर। जैसे चल रहे हम आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे कहीं आगे। तो भाई वहाँ से चल के आ चुके हैं हम इधर सिन्नर वाले रोड पर। और सिन्नर वाले रोड पे ना इधर चलेंगे मुंबई एक्सप्रेस साइड, यही है ना। तो अभी यहाँ से चल रहे हैं, ये नागपुर मुंबई एक्सप्रेस है जो इस पे चढ़ेंगे। और आज चेक करते हैं इसको, थोड़ा ट्राई करते हैं। ये रोड थोड़ा सिंगल तो ये हाईवे को चेक कर लेते हैं कैसा कैसा नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी जल्दी है। हमें यहाँ से अभी का 100 किलोमीटर अपनी लोकेशन, ये देखो बार भी। तो इसलिए हम घूम गए इधर, इसकी कुछ इस तरह की लोकेशन दिख रही है बड़ी खूबसूरत। ये देखो टोल जो कि हम इस पर पहली बार चढ़ रहे हैं, ये इसमें विदेश वाला फील आ रहा टोटल। और इसको आगे चल के और दिखाएंगे आपको अभी सीमेंटेड है अच्छा है नहीं जैसा भी। बोला ना भाई उठो। तो भाई ये कुछ इस तरह का था भाई, पूरा रोड सीमेंटेड दिख रहा। तो हम पहुंच चुके हैं इस पे, अब इस गाड़ी भगाएंगे भाई ट्रेन के साथ साथ। इस भगाई थी 90, क्योंकि हमें बहुत ही जल्दी पहुंचना और अपनी गाड़ी आज ही लोड करनी, आज ही अनलोड करके, क्योंकि कल का अपने दिन हो गया था ख़राब, कल गाड़ी हुई नहीं थी खाली। तो चलो देखिए चढ़ने के बाद कुछ इस तरह की लोकेशन सामने आ रही है, सिन्नर 34 शिरडी से 78 नागपुर 620।
चेक कर। बाकी ये सीमेंट रेड है, बाकी गाड़ी उछल कूद नहीं रही, बहुत अच्छा रोड है। हमें मालूम नहीं था इसका कि इतना अच्छा भी रोड हो सकता है ये। बाकी रोड है बहुत ही अच्छा, इस पर गाड़ी बिल्कुल चिपक के चल रही है, जैसे चलनी चाहिए ना गाड़ी उसी हिसाब से चल रही, बहुत अच्छी तरीके से। फ्लाईओवर आते जगह जगह पर बहुत काफ़ी सुंदर कुछ मार्ग है, तो कोई नहीं इस पर चलते हैं, देखते कितना चलना पड़ेगा। शायद अपन को 20-30 किलोमीटर चलना पड़ेगा इस पर, जहाँ भी उतरेंगे वहाँ चलेंगे सीधा संगम नियर साइड, तो पहुँचते हैं सीधे अपनी लोकेशन पर। चेक कर सकते हैं, देखो क्या साइकिल आ रही है इस पर, ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी लोकेशन है। और भाई साहब इस पर चलने का कोई इंजो ही अलग है, बाकी इतना मज़ा आ रहा है विदेश वाली फील आ रहा है हकीकत में। इतना मुंबई एक्सप्रेस में भी थोड़ा कम आ रहा, बाकी इस पर और कुछ ज़्यादा कुछ अलग ही लेवल का हुआ। इधर उधर पहाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, रियाद का रोड आता है ना, ऐसा रोड आ रहे मन कर रहा देखते देखते हाँ वीडियो बनाई बनाई जान। बाकी है अपन चलना है 25 किलोमीटर और बच गया अपना सफर। इस पे चलने के बाद सिन्नर में अपन उतर जाएंगे ऑफिस से। इधर की लोकेशन चेक करो, लोडिंग पॉइंट में थोड़ा सा इधर से 3 किलोमीटर है भाई, अभी पी रहे जूस, देख सकते हो क्या सिस्टम है। ये है वो है, मतलब जिसको हम बोलते हैं बैल, वो खींच रहा है सिंह बहुत खतरनाक है भाई। ये होते हैं जानवर बिना मशीन की। चलो भाई इनकी मर्जी भाई, तो गाड़ी वो रुकी, पार्टी वाले बात कर रहे हैं अहमद भाई, तो यहाँ से जूस पी के निकलते लोडिंग पॉइंट पे, आपको मिलेंगे वहीं पे। करो कितना 4 लाइन रोड है जो कि अभी यहाँ पे 6 लाइन रोड चल रहा है अभी। ये है अहमदाबाद टू गोवा रोड, इस पर हम जा रहे हैं घूमने के लिए। एक्सप्रेस वाला रोड है ये, जो कि 8 लाइन रोड है ये, बहुत ही अच्छा। तो पहुँच गए हम थोड़ी देर में बगीचा, यहाँ से अंदर के लिए चलेंगे, सामने बगीचा इधर है। तो भाई तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपन मोर के बगीचे में, और अपनी गाड़ी की लोडिंग हो गई है शुरू। बाकी यहाँ से आधी गाड़ी भरेगी, बाकी यहाँ से और आगे शिरडी साइड जाएंगे भरने के लिए, और यहीं से ये कुछ बगीचा इस तरीके का। बाकी पूरा अच्छे से अगला व्लॉग दिखाऊंगा, क्योंकि ये व्लॉग में पीछे वाला था इसका एंटर नहीं कर पाए कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो इस व्लॉग करते इधर एंड, अगला व्लॉग अंगूर का देखना नहीं भूले, क्योंकि आप देख रहे हैं अंगूर लोड कर रहे हैं। अगला व्लॉग यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा, जब तक ले टाटा बाय बाय, लव यू, अल्लाह हाफिज़।